बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ चीनी और गुड़ की बनी हुई खट्टी मीठी मज़ेदार मसालेदार कैरी की चटनी, जो कि हम इंस्टेंट तरीके से बनाएंगे। ये चटनी मिनटों में झटपट बनकर तैयार हो जाती है। आप इस चटनी को आराम से रूम टेम्परेचर पर पूरा साल स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आता है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने तकरीबन आधा किलो कैरियाँ ली हैं, जिन्हें मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब इन्हें छील लेते हैं। तमाम कैरियों का छिलका उतार लिया है। कोशिश कीजिएगा कि आप इसी तरह कच्ची कैरियों का इस्तेमाल करें। अब इन कैरियों को कद्दूकश कर लेना है। तमाम कैरियों को कद्दूकश की इस तरह की मोटी जाली से कद्दूकश कर लेना है। फ्रेंड्स, कोशिश कीजिएगा मेरे तमाम स्टेप्स को ठीक से फॉलो करते हुए ये चटनी आप बनाएं, ताकि आपकी चटनी ठीक कंसिस्टेंसी के साथ बन सके। आप देख सकते हैं तमाम कैरियों को बहुत अच्छे से कद्दूकश कर लिया है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। फ्रेंड्स, एक बात मैं क्लियर कर दूं, कैरियाँ हमने आधा किलो ली थी, लेकिन छीलने और गुठलियाँ निकाल लेने के बाद ये जो हमारे पास कैरी का पल्प बचा है, ये तकरीबन 350 ग्राम है। तो इसी के हिसाब से हम चीनी और गुड़ शामिल करेंगे। ये मैंने एक कप यानी कि 150 ग्राम पिसा हुआ गुड़ लिया है और ये एक कप चीनी ली है, जो कि तकरीबन 200 ग्राम है। गुड़ और चीनी की मेजरमेंट मैंने इस नॉर्मल कप से की है। फ्रेंड्स, मैंने इस वक्त फ्लेम बिल्कुल लो रखी हुई है। अब हमने क्या करना है, कैरियों को चीनी और गुड़ के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, इस कैरी की चटनी में चीनी और कैरी की मिकदार बराबर रखी जाती है, इसलिए ये तकरीबन 350 ग्राम कैरी का पल्प था, जिसमें मैंने टोटल 350 ग्राम चीनी और गुड़ शामिल किया है। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद इसमें ये तकरीबन 1/4 कप पानी शामिल करेंगे और ये 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और ये 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। बाकी मसाले हम बाद में शामिल करेंगे। हल्दी और मिर्चों को कैरी के मिक्सचर में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने के बाद पैन को कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 मिनट ऐसे ही रहने देंगे, ताकि इसमें चीनी और गुड़ बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। 2 मिनट पका लिया है। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए चटनी को गाढ़ा होने तक पकाना है, लेकिन अभी फिलहाल फ्लेम को मीडियम टू लो कर देते हैं और दूसरे चूल्हे पर चटनी के लिए बाकी मसाले तैयार कर लेते हैं, लेकिन बीच बीच में चटनी में चमचा चलाते रहेंगे कि कहीं चटनी लग ना जाए। पैन को लो फ्लेम पर रखा है। इसमें ये 1/2 टीस्पून वह जीरा शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून सौंफ, 2 चुटकी मेथी दाने, 2 से 3 चुटकी कलौंजी, 2 से 3 चुटकी अजवाइन। तमाम मसाला को मुस्तकिल चमचा चलाते हुए लो फ्लेम पर हल्का सा भून लेना है। मैंने तमाम मसाला को लो फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट भूना है। आप देख सकते हैं इनका कलर हल्का सा चेंज हो गया है और खुशबू भी बड़ी प्यारी सी उठने लगी है। अब इन मसाला को बारीक पीस लेना है। मसाले को हमने इस तरह बारीक बारीक पीस लिया है। चटनी भी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हमने बाकी अज़ा शामिल करने हैं। 1/2 टीस्पून काला नमक, आप सफ़ेद नमक भी शामिल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून सौंठ का पाउडर और ये जो हमने मसाला पीस के तैयार किया है, ये भी शामिल कर देंगे। इस वक्त चटनी पतली है, तो मुस्तकिल चमचा चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर चटनी को मज़ीद गाढ़ा होने तक पकाएंगे। चटनी को मीडियम टू हाई फ्लेम पर गाढ़ा होने तक पका लिया है। आप देख सकते हैं कि चटनी में थोड़े हैवी से बबल बनना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है चटनी बनकर तैयार है। आपको इसमें चाशनी सी नजर आ रही होगी, हमने इसमें चाशनी बाकी रखनी है। अगर बिल्कुल ड्राई कर दिया तो चटनी जेली की तरह बिल्कुल सख्त हो जाएगी। तो आप फ्लेम को लो कर देते हैं और चटनी की कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। प्लेट में इस तरह चाशनी के चंद कतरे डालकर ज़रा ठंडा होने देंगे। चाशनी ठंडी हो गई है, अब इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से चेक करेंगे। ये देखिए, इस तरह चाशनी का एक तार सा बनना चाहिए, इसका मतलब है चटनी बनकर तैयार है। अब चटनी को मजीद पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए फ्लेम ऑफ कर देते हैं और चटनी को थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर उसके बाद डिश आउट कर लेंगे। आप देख सकते हैं चटनी कितनी गाढ़ी गाढ़ी सी है, हालांकि ये अभी मुकम्मल तौर पर ठंडी नहीं हुई है।
जब मुकम्मल तौर पर ठंडी हो जाएगी तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।